पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरे देश में कुल 2700 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए 30 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। बैंक द्वारा किसी भी ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी अप्रेंटिस एग्जाम 2024 के लिए जिन कैंडिडेट्स को आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, उन्हें 28 जुलाई को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को जनरल, वित्तीय जागरूकता, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के सवाल आएंगे। हर सेक्शन में 25 नंबर के 25 सवाल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बैंक प्रशासनिक संचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी भी सर्कल को आवंटित करने का अधिकार रखता है। इस भर्ती प्रक्रिया से पूरे देश भर के 2700 अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है। पीएनबी अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं इसकी आयु सीमा कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल निर्धारित की गई है। वैसे कैंडिडेट्स को एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा की परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स को इसमें स्टाइपेंड के तौर पर कुछ धनराशि भी दी जाएगी। रूरल और सेमी अर्बन में काम करने वालों को 10,000 रुपये, अर्बन में 12,000 रुपये और मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। यह आपको एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा जिससे ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर और डॉक्यूमेंट की आवेदन फीस का भुगतान करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद एक प्रिंटआउट लेना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क के रूप में दिव्यांगजनों से 472 रुपये, वहीं महिला या SC/ST से संबंधित रखने वाले अभ्यर्थियों को 708 रुपये, वहीं सामान्य और OBC से जुड़े छात्रों को 944 रुपये का भुगतान करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरे देश में कुल 2700 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए 30 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। बैंक द्वारा किसी भी ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी अप्रेंटिस एग्जाम 2024 के लिए जिन कैंडिडेट्स को आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, उन्हें 28 जुलाई को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को जनरल, वित्तीय जागरूकता, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के सवाल आएंगे। हर सेक्शन में 25 नंबर के 25 सवाल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बैंक प्रशासनिक संचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी भी सर्कल को आवंटित करने का अधिकार रखता है। इस भर्ती प्रक्रिया से पूरे देश भर के 2700 अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है। पीएनबी अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं इसकी आयु सीमा कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल निर्धारित की गई है। वैसे कैंडिडेट्स को एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा की परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स को इसमें स्टाइपेंड के तौर पर कुछ धनराशि भी दी जाएगी। रूरल और सेमी अर्बन में काम करने वालों को 10,000 रुपये, अर्बन में 12,000 रुपये और मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। यह आपको एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा जिससे ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर और डॉक्यूमेंट की आवेदन फीस का भुगतान करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद एक प्रिंटआउट लेना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क के रूप में दिव्यांगजनों से 472 रुपये, वहीं महिला या SC/ST से संबंधित रखने वाले अभ्यर्थियों को 708 रुपये, वहीं सामान्य और OBC से जुड़े छात्रों को 944 रुपये का भुगतान करना होगा।
पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरे देश में कुल 2700 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए 30 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। बैंक द्वारा किसी भी ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी अप्रेंटिस एग्जाम 2024 के लिए जिन कैंडिडेट्स को आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है उन्हें 28 जुलाई को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को जनरल, वित्तीय जागरूकता, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के सवाल आएंगे। हर सेक्शन में 25 नंबर के 25 सवाल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बैंक प्रशासनिक संचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी भी सर्कल को आवंटित करने का अधिकार रखता है। इस भर्ती प्रक्रिया से पूरे देश भर के 2700 अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है। पीएनबी अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं इसकी आयु सीमा कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल निर्धारित की गई है। वैसे कैंडिडेट्स को एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा की परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स को इसमें स्टाइपेंड के तौर पर कुछ धनराशि भी दी जाएगी। रूरल और सेमी अर्बन में काम करने वालों को 10,000 रुपये, अर्बन में 12,000 रुपये और मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। यह आपको एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा जिससे ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर और डॉक्यूमेंट की आवेदन फीस का भुगतान करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद एक प्रिंटआउट लेना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क के रूप में दिव्यांगजनों से 472 रुपये, वही महिला या SC/ST से संबंधित रखने वाले अभ्यर्थियों को 708 रुपये, वहीं सामान्य और OBC से जुड़े छात्रों को 944 रुपये का भुगतान करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरे देश में कुल 2700 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए 30 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। बैंक द्वारा किसी भी ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी अप्रेंटिस एग्जाम 2024 के लिए जिन कैंडिडेट्स को आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है उन्हें 28 जुलाई को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को जनरल, वित्तीय जागरूकता, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के सवाल आएंगे। हर सेक्शन में 25 नंबर के 25 सवाल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बैंक प्रशासनिक संचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी भी सर्कल को आवंटित करने का अधिकार रखता है। इस भर्ती प्रक्रिया से पूरे देश भर के 2700 अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है। पीएनबी अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं इसकी आयु सीमा कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल निर्धारित की गई है। वैसे कैंडिडेट्स को एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा की परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स को इसमें स्टाइपेंड के तौर पर कुछ धनराशि भी दी जाएगी। रूरल और सेमी अर्बन में काम करने वालों को 10,000 रुपये, अर्बन में 12,000 रुपये और मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। यह आपको एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा जिससे ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर और डॉक्यूमेंट की आवेदन फीस का भुगतान करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद एक प्रिंटआउट लेना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क के रूप में दिव्यांगजनों से 472 रुपये, वही महिला या SC/ST से संबंधित रखने वाले अभ्यर्थियों को 708 रुपये, वहीं सामान्य और OBC से जुड़े छात्रों को 944 रुपये का भुगतान करना होगा।